दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक और अनरिलीज्ड मूवी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है पावर प्ले। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे संजय दत्त, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, आदित्य पंचोली, शिल्पा शेट्टी और गुलशन ग्रोवर। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर थे महेश भट्ट। आप बात करें इस फिल्म से जुड़े दमदार कास्ट कॉम्बिनेशन और एक्टर एनालिसिस के बारे में, तो संजय दत्त की जहाँ तक बात है तो इस बात में कोई शक नहीं कि एज अ एक्टर संजय दत्त का मोस्ट पावरफुल पॉइंट उनकी यूनिक स्क्रीन प्रेजेंस है। जबकि अगर अजय देवगन को देखें तो इंटेंसिटी और पावरफुल डायलॉग डिलीवरी के मामले में उनका कोई मुकाबला ही नहीं। और इसके अलावा सुनील शेट्टी अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग स्किल्स के साथ साथ माचो लुक्स और एक्शन अप्रोच के साथ एक यूनिक अपील जनरेट करते हैं। और जैकी श्रॉफ अपने कैरिज्मेटिक लुक्स और स्ट्रॉन्ग डायलॉग डिलीवरी से हाई इम्पैक्ट क्रिएट करने का दम रखते हैं। और रही बात आदित्य पंचोली की, तो उनकी स्पेशलिटी ही कॉम्प्लेक्स किरदारों को स्मूथली पुल ऑफ करना है, और उनकी काबिलियत भी इस दमदार कास्ट को पॉजिटिव सपोर्ट करती। और कुल मिला के बात करें तो ये पांचों एक्टर्स एक अनइमेजिनेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे सकते थे। और देखा जाए तो ये बात है साल 2001 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, और उसी साल ही इस फिल्म की शूटिंग का भी आगाज़ किया जाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनाउंसमेंट के बाद ये फिल्म भी शूटिंग लेवल पे पहुंचने से पहले ही बंद कर दी गई थी, जिसके पॉसिबल रीजंस शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स यानी डेट्स इश्यूज को माना जा सकता है। और ऐसे बॉलीवुड फैंस एक पोटेंशियल मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म से हमेशा हमेशा के लिए महरूम रह गए। तो दोस्तों, पावर प्ले मूवी के बारे में आप सबका क्या ओपिनियन है कि ये मूवी अगर बन के अपने वक्त पे रिलीज हो जाती तो बॉक्स ऑफिस पे हिट होती, सुपरहिट होती या फिर ब्लॉकबस्टर? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा।